हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, इन्फोटेक आर्मी में आपका स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में आपको स्क्रिप्ट मेकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमारे चैनल में अभी तक 3 पार्ट जो बन चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आपने अभी तक नहीं देखा इस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को, सबसे पहले अगर वीडियो टाइटल पर क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा स्क्रिप्ट मेकिंग बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक, तीनों का लिंक मिल जाएगा। या तो हमारे चैनल पर जाओ, सिंपल चैनल पर जाने के बाद ऊपर आपको प्लेलिस्ट पर जाना है, प्लेलिस्ट में आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाने वाला है। स्क्रिप्ट कैसे बनाए सिंपल, इस पर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पर 3 पार्ट हमारा जो बन चुका है, चौथा पार्ट ये भी है, यहाँ पर 4 वीडियो आपको शो करेगा, मतलब 4 पार्ट हमारा बन चुका है। सिंपल जाकर विजिट करो, पहले फर्स्ट 3 पार्ट को देख लो, तभी आपको ये चौथा पार्ट समझ आने वाला नहीं है। मतलब थोड़ा सा अगर एक्सपर्ट हो गया आप स्क्रिप्ट बनाने में, तब शायद चौथा पार्ट आपको समझ आए, नहीं तो आपको समझ नहीं आने वाला। तो पहले तीनों पार्ट को देख लो, ठीक है। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर चार चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले बताने वाला लिंक कैसे बनाते हैं, लिंक बनाने के मतलब जो HTML में लिंक कैसे ऐड करते हैं, बटन कैसे ऐड करते हैं, फॉर्म कैसे ऐड करते हैं, फ्रेम कैसे ऐड करते हैं, 4 चीज़ बताने वाला हूँ। आराम से वीडियो को एंड देखो, सब चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लस मैंने बता दिया कि मैं अभी डिजाइनिंग सिखाने वाला, धीरे धीरे डिजाइनिंग के बाद धीरे धीरे स्क्रिप्ट में जाऊँगा, धीरे धीरे PHP मेकिंग में भी जाऊँगा। अभी फिलहाल मैं HTML मेकिंग सिखा रहा हूँ, HTML का एडिटिंग सिखा रहा हूँ, PHP मेकिंग नहीं है, ठीक है। स्क्रिप्ट वाला जो होता है ना, जैसे स्क्रिप्ट वाला कोई नहीं, स्क्रिप्ट वाला उसका PHP सब डाटा उटा निकालने में नहीं बताने वाला, कुछ दिन बाद मतलब कुछ अगले पार्ट में धीरे धीरे बढ़ते जाऊंगा यार, आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो आज के टॉपिक के बारे में, फॉर्म, फ्रेम, लिंक एंड बटन, ठीक है। सबसे पहले चलिए मैं अपने PHP पर जाता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 3 में कुछ इस टाइप का यहाँ पर PHP बनाकर छोड़ा था, index.php के नाम से इस टाइप का कुछ बनाकर छोड़ा था। एंड इसका पेज जो आ रहा था यहाँ पर, इसका फेज जो आ रहा था वो आपको लाइव दिखा देता हूँ किस टाइप का आ रहा था। एंड अब इसी में मैं एडिटिंग स्टार्ट करने में आपको लाइव यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप का मेरा ओपन हो रहा था। तो ये सब अब जो मैं अब बताने वाला हूँ, तो ये सब को जो हटा लेता हूँ, ठीक है। ये सब जो ज़्यादा स्पेस टाइम ले रहा है इतना दूर, ये सब को जो मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। तो पहले चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ, उसके बाद आपको लाइव यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या क्या हटाना है, मुझे यहाँ पर जो सूरज कुमार वर्मा से हटाना है, पूरा लास्ट तक जो ये लिखा हुआ है इसको हटाना है, ठीक है। चलो मैं इसको जो यहाँ पर कट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो BR वाला टैग है, यहाँ से जाता हूँ नीचे, एंड ये इन्फोटेक आर्मी वाला जो है, ये मेरा लास्ट मतलब ये इन्फोटेक वाला मैंने स्टार्ट किया था, आपको वीडियो में नहीं बताया, ठीक है, वो आपको लास्ट बताना है। यहाँ पर देखो इसको मैं कट करता हूँ, ये स्पेल मेरा सेव हो चुका है, बस इन्फोटेक आर्मी बचा हुआ है। तो इसका जो कोडिंग था मेरा, कोडिंग क्या क्या था यहाँ पर, IMGCOD वाला, Box2 वाला, ये सब जो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये सबको भी हटा देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर इसको हटा देना, मतलब स्टाइल वाला रखे क्या फायदा। और आपको स्टाइल वाला एक नया ट्रिक भी बताने वाला हूँ वीडियो में। सबसे पहले देखो इसको मैंने हटा दिया, अब सिर्फ यहाँ पर मेरा बचा बॉक्स बॉडी, ठीक है। यहाँ पर स्टाइल में, स्टाइल वाला मैंने बता दिया क्या क्या होता है, स्टाइल से क्या फायदा होता है। अब मैं अगर वेब को विजिट करता हूँ तो यहाँ पर देखो किस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है, बस छोटा सा इंटरफेस, इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर पूरा खाली खाली होता है, बैकग्राउंड कलर भी मैंने सेट करना बता दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड कलर को ग्रेडियंट कैसे सेट करें, मतलब यहाँ पर रेड रहेगा, यहाँ ब्लू रहेगा, यहाँ ग्रीन रहेगा, यहाँ व्हाइट रहेगा, वो सब सेट कैसे करना है, ठीक है। चलिए मैं सबसे चाहता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड पर, यहाँ पर देखो बैकग्राउंड है ना, यहाँ पर मैंने सेट किया था बैकग्राउंड में इमेज सेट किया था, मैंने आपको इमेज सेट करना बता दिया था। पहले यार पार्ट 3 को देख लो, ठीक है। पार्ट 3 में मैंने सब एक्सप्लेन करा है, कलर उलर के बारे में सब एक्सप्लेन करा है, कैसे क्या क्या डिजाइनिंग करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं बॉडी को यहाँ पर जो मुझे बैकग्राउंड कलर क्या सेट करना है, मुझे कोई ग्रेडियंट सेट करना है, ग्रेडियंट मतलब रेड ग्रीन, मतलब बहुत सारा कलर मिक्स होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इस लिंक को जो अपना बैकग्राउंड इमेज वाला जो लिंक है इसको मैं कट करता हूँ, एंड उसके बाद आपको लाइव यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो इसको कट करता हूँ, URL था, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप का हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, URL तो मैंने हटा दिया, इमेज वाला हटा दिया। अब मान लो आपको ग्रेडियंट डालना है, ग्रेडियंट के लिए सिंपल यहाँ पर टैग होता है लिनियर ग्रेडियंट, LINEAR लिनियर, यहाँ पर माइनस फिर ग्रेडियंट GRADIENT लीनियर ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर छोटा सा ब्रेकेट देना है, छोटा वाला ब्रेकेट दे दिया, एंड इसको बंद भी करना है तो बंद भी मैंने कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कुछ भी आप स्टार्ट करते हो उसको चालू बंद करना पड़ेगा, जैसे कि सब चीज़ मैंने चालू बंद किया, यार बड़ा वाला ब्रेकेट देखो, बड़ा वाला ब्रेकेट बंद किया है। फिर यहाँ पर ये डॉट वाला है तो डॉट वाला भी यहाँ पर डॉट कॉमा से मैंने बंद किया, जिस तरह का बंद होता है उससे मैंने बंद किया, यहाँ पर छोटा ब्रेकेट मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर टू राइट या लेफ्ट लिखना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक लिखना है, किधर से राइट से लिखना है, लेफ्ट से लिखना है, जिधर से लिखना है, अपने हिसाब से लिख दो, या तो सिंपल से चलिए मैं सबसे पहले कलर ही एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। कलर सिर्फ इंटर कर लेता हूँ, जो भी कलर होगा मेरा RED रेड कर देता हूँ, फिर कॉमा देता हूँ, फिर यहाँ पर ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है, BLUE, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में आपको कॉमा नहीं देना, ये ब्रैकेट से पहले आपको कॉमा नहीं देना, नहीं तो आपको काम नहीं करा। रेड ब्लू मैंने सिर्फ लिख दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर कैसा बनाया, ठीक है, उसके पहले आपको यहाँ पर दिखाना है। देखो कुछ इस टाइप का बना, ऑटोमेटिक जो मेरा डाउन गया है, ठीक है, नीचे ऊपर से नीचे गया। अब मान लो मैं इसे राइट करना चाहूँ, मतलब ये जो मतलब बीच बीच का जो खाली है इसको मैं राइट मान लो करना चाहूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट के बाद जो है ना, जहाँ पर रेड मैंने कलर स्टार्ट किया है, ब्रैकेट के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ टू राइट, ठीक है, RIGHT राइट लिख दिया। फिर यहाँ पर कॉमा आपको देना पड़ेगा, कॉमा दे दिया, तो यहाँ पर ये यार कौन सा कॉमा दे दिया मैंने, कॉमा दे दिया, यहाँ पर देखो ये मेरा ठीक ठीक सब्जी मतलब ग्रीन कलर वाला जो है, इसे देखो ठीक ठीक ग्रीन ग्रीन हो चुका है, ठीक है। इसको मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, अब जाता हूँ केस वेब पर, यहाँ पर इसको ओपन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर देखो
राइट हो चुका है, मतलब लेफ्ट ये साइड है, लेफ्ट ये साइड है, तो यहाँ से इधर धकेल दिया, मतलब ये मैंने रेड रखा, उसके बाद ब्लू रखा, यहाँ पर ब्लू बाद में आ गया। यहाँ पर तीन कलर रखना चाहो तीन कलर रखना रख सकते हो, चार कलर रखना हो चार कलर रख सकते हो, प्लस में इसको 90 डिग्री से रोटेट करना, वो सब भी आपको बताने वाला धीरे धीरे करके बता दूंगा। मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, व्हाइट करता हूँ, WHIT व्हाइट कर देता हूँ, फिर यहाँ पर क्या करता हूँ आगे यहाँ पर एक कोमा देके येलो कर देता हूँ, येलो भी रख देता हूँ, येलो कर देता हूँ, येलो करने फिर से मैं जान लो ग्रीन करता हूँ, GRN ग्रीन कर देता हूँ। इधर जो जो कलर भी आप रखना चाहो ना वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। चलिए मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप का चेंज हो चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पर रेड ब्लू या व्हाइट येलो ग्रीन इस टाइप का कुछ हो चुका है, जिस तरह से आप अपना रखो अपने हिसाब से रख सकते हो। इसको एनिमेशन एनिमेशन कैसे करना वो भी हो सकता है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, बटन के बारे में। चलिए मैं बैकग्राउंड सबसे पहले बॉडी को जो उसमें पहले जैसे अपना सेट कर लेता हूँ। सो मैंने बॉडी को पहले अपने जैसा सेट कर लिया बैकग्राउंड करके, मतलब यार मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है ग्रेडियंट वाला, मेरा स्टाइल का ही अच्छा, इसी में आपको एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर फाइल पर, अपने फाइल पर जाने के बाद बात करते हैं सबसे पहले बटन के बारे में या लिंक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लिंक के बारे में। तो मैंने बताया कि कुछ भी आपको एंटर करना तो बॉडी के बीच में होना चाहिए। चलिए मैं बॉडी के बीच में चला जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद अब यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखना, चलिए मैं लिंक के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ। तो यहाँ पर मान लो लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिंक डालने के लिए सिंपल सबसे पहले कोई टेक्स्ट डालना, चलिए मैं यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट लिखता हूँ क्या लिखता हूँ, अपना नेम लिखता हूँ, चलो मेरा नेम ही था, नेम यहाँ पर मैं जो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको लिखना है कोई पैराग्राफ लिखना पैराग्राफ भी लिख सकते हो, यहाँ पर वैसे तो नेम लिख के कुछ यहाँ पर नहीं दिखाना आपको। चलिए मैंने नेम लिख दिया। अब मुझे मान लो ये वाला क्लिक करके यहाँ पर जो उसको ओपन करवाना है लिंक, ठीक है, वर्मा को क्लिक करें या कुमार को क्लिक करें तो मुझे ओपन करवाना है। चलिए मैं कुमार वाले को ही क्लिक करके ओपन करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, कुमार के पहले आपको ए वाला टेक डालना है, ये मतलब पहले ओपन टेक डालना है, फिर ए डालना है, ए डालने के बाद यहाँ पर HREF लिखना, उसके बाद यहाँ पर सिंपल इसको बराबर देना है, यहाँ पर डब ऊपर जो इस तरह का दिया रहा था इस तरह तो मैंने सब बता दिया है। अब HREF के बीच में आपको जो भी लिंक ओपन करवाना है कुमार वाला क्लिक करने के बाद वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना। चलिए मैं वो कोई भी लिंक इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ YouTube वाला लिंक ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको जो बंद करना है ए वाला टैग जो इसको अपने चालू किया इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद यहाँ पर देखो मैंने ये जो से मतलब ये लाइन के बाद ही बंद किया है, उसके बाद यहाँ पर देखो यार ए वाला ये जो मतलब बंद वाला आ चुका है, तो बंद वाला सबसे पहले मुझे कुमार को क्लिक करवाना, तो कुमार के बाद ये बंद वाला टैग लगाना है, ठीक है। ये बंद वाला जो है टैग मैंने आपको पहले बता रखा है, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री देख लो सबसे आपको पता चलने वाला, इस तरह का मैंने कुछ कर दिया। मतलब अब जो जब मैं कुमार पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये यूट्यूब वाला लिंक ओपन होने वाला है। चलिए मैं कैश वे पर जाता हूँ, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ किस टाइप का। देखो यहाँ पर इस टाइप का कुछ बना हुआ, यहाँ पर कुमार पर यहाँ पर देखो ये ब्लू मेरा हो चुका है, ठीक है, ब्लू हो चुका है। इस पर मैं क्लिक करूँ डायरेक्ट मेरा यूट्यूब का लिंक डाल रहा है, मेरा डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह का यहाँ पर फिर से जो डायरेक्ट मतलब जो भी आप लिंक सेट करना चाहो अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, अगर टेलीग्राम चैनल सेट करना चाहो वो भी आप सेट कर सकते हो, जो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइनिंग जो आ रहा है लिंक में लाइनिंग आ रहा है ना, यहाँ पर देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा जो एक लाइन आ जा रहा है जिसको मैं सेट कर रहा हूँ कुमार को सेट कर, तो कुमार में मेरा लाइन आ जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। या तो आप डिजाइनिंग भी देना चाहते हो, डिजाइनिंग के लिए बताया कि शुरू में और एंड में कुछ टैग होना चाहिए। चलिए मैं फॉन्ट वाला ही टैग कर लेता हूँ, FONT यहाँ पर लास्ट में एंड करता हूँ, यहाँ पर शुरू में FONT वाला जो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने फॉन्ट वाला टेक स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर स्टार्ट में एंड में। अब इसमें जो स्टाइल लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो, सिंपल जिस तरह मैंने बताया था कि यहाँ पर इसको जो क्लास सेट करना है सबसे पहले यहाँ पर कुछ डॉट देकर लिख देना, जो कुछ भी नेम लिख देना, उसके बाद यहाँ पर क्लास में जो यहाँ पर क्लास फॉन्ट के आगे क्लास लगा के उस डॉट में जो नेम रखे उसको लिख देना, ठीक है। ये मेरा डॉट गलती से रह गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर उस तरह से लिखना है। या तो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉन्ट है यहाँ पर मैं स्टाइल लिख देता हूँ ST फॉन्ट के आगे, ठीक है, STYLE स्टाइल यहाँ पर देता हूँ, इक्वल का साइन, डबल डॉट वाला साइन, डायल साइन देने के बाद आप यहाँ पर भी स्टाइल जो सेट कर सकते हो जो भी रखना है। चलिए मुझे बैकग्राउंड का सबसे पहले बात करते हैं, बैकग्राउंड BACKG बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड करके इसको जिस तरह आप स्टाइल में सेट कर रहे थे डबल डॉट वाला उस तरह देना, फिर डबल डॉट कॉमा मतलब बंद करने के लिए इस तरह देना। इसके बीच में आप लिखना है कौन सा बैकग्राउंड रखना है, मुझे मान लो रेड रखना है, ठीक है। चलिए मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जो डॉट कॉमा है उसके आगे मैं जाता हूँ, डालने के बाद यहाँ पर क्या रखना है, फॉन्ट का साइज रखना है, तो फॉन्ट का साइज क्या रखना है, FONT फॉन्ट SIZE साइज, ठीक है, साइज कर दिया मैंने। अब यहाँ पर फिर से डॉट देता हूँ जिस तरह मैंने पहले सेट किया था ना उसी तरह से डिजाइन देना, बस इसमें यहाँ पर है ना कि ऊपर में आपको स्टाइल में टैग लगाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर जो जिसको आपको चेंज करना उसी में बस स्टाइल वाला ये ऐड कर सकते हो, एंड इसी में इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट साइज मान लो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 25 पिक्सल 25px कर देता हूँ, 25px करने के बाद और एक बात और आपको बता दूँ, ये जो फॉन्ट साइज में 25px या कुछ भी साइज जो पिक्सल में आप सेट करते हो ना इससे मतलब ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं, मतलब परसेंटेज सेट करो, ठीक है, परसेंटेज वाला सेट क्या करो उससे आपका ज़्यादा फायदा होगा। 25% मतलब जो डिवाइस होगा मतलब इतना साइज का डिवाइस है इसका 25% मान लो कुछ इतना होगा चौथा भाग, तो इतना बड़ा कुछ फॉन्ट दिखेगा उस तरह से यूज करो। मतलब इसमें क्या होगा ना, जैसे यहाँ पर देखो मोबाइल वाले में करते हो 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल मेरे मोबाइल में यहाँ पर देखो इतना बड़ा दिख रहा है, मान लो 20 पिक्सल इतना बड़ा दिख रहा है, तो क्या होगा कंप्यूटर में मान लो ओपन करो तो कंप्यूटर में 20 पिक्सल कितना जगह होता है, इतना छोटा सा होता है, तो उसमें छोटा सा दिखेगा, ठीक। अब यहाँ पर मैं इसको जो रेडियस यहाँ पर इसका सेट कर लेता हूँ, फॉन्ट का कलर पहले सेट करता हूँ, यहाँ पर COLOR जैसे कि मैंने बता दिया था, फॉन्ट में कोई फॉन्ट FONT सब कुछ नहीं लिखना, सिंपल सा कलर यार मैंने कहाँ ले गया इसको देखो हटाता हूँ पहले, हटाने के बाद यहाँ पर कहाँ ले गया इसको अंदर लिखना है, ठीक है, अंदर वाला मतलब जो डॉट डॉट का अंदर है उसके अंदर से 25 पिक्सल के बाद अब मैं कलर लिखता हूँ COL और कलर लिख देता हूँ। इसको भी मैं जो क्या करता हूँ इसको मैं व्हाइट कर लेता हूँ, यहाँ पर WHIT व्हाइट कर लेता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ, इस तरह से मैंने कर लिया। यहाँ पर रेडियस वेडियस भी डाल लेता हूँ।
देखो इसका मैं कोडिंग में जो मैंने कुछ चेंज कर दिया यहाँ पर, जैसे मैंने लास्ट में यहाँ पर डॉट कॉम वाला लगा दिया इसको बंद करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो चालू करोगे इसको बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप को कुछ यहाँ पर देख लो, कुछ गड़बड़ के आपको कुछ सेट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको तो सेम मैंने किया, अब इसको मैं जो आपको विजिट करके दिखाता हूँ किस तरह का मेरा बना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो इस टाइप को कुछ बन चुका है। यहाँ पर मेरा जो इसको क्लिक करने पर लिंक होगा, इसे बाकी को मैं क्लिक करूँगा वर्मा सूरज सब लिखा होगा, इसको क्लिक कुछ ओपन नहीं होने वाला है, बस ये कुमार को क्लिक करने पर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर ये लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन आ गया बीच में, ये ठीक अच्छा नहीं दिख रहा है इस तरह से, मतलब बिना लाइन कराता बस मैं पूरा का पूरा क्लिक करता तो मैं मान लो इसमें भी सेट कर दूंगा पूरा का पूरा सेट कर दूंगा तो पूरे में लाइन आ जाएगा, उस लाइन से अच्छा नहीं दिखा। जैसे मैं पूरे के पूरे लाइन आपको सेट करके दिखाता हूँ, यहाँ जो ये मेरा एच आर एफ वाला है ना यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कहाँ पर मैं लग गया, बॉडी यार बॉडी तो यहीं पर है मेरा, ये एच वाला जो मैंने लगाया ए वाला टैग, इसको मैं जो सूरज के आगे लगाता हूँ सूरज से मेरा स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर कुमार तक खत्म होगा, इसको मैं लास्ट कर दूँगा वर्मा तक, वर्मा तक हो जाएगा। चलिए मैं इसको सेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो कुछ इस टाइप का मैंने सेट कर दिया, यहाँ पर ए वाला जो टैग स्टार्ट हुआ यहाँ पर तो मैंने एच आर एफ में यूट्यूब का लगा ही रखा है, यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ पर मैंने सूरज कुमार वर्मा तीनों लिख दिया, मतलब तीनों मेरा जो लाइन होने वाला है और यहाँ पर लास्ट में ए का टैग लगा दिया एंड वाला। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर ब्राउजर पर, इसको रिफ्रेश करना है, इसको आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरा अपडेट नहीं रहा इसलिए मैं केस वेब का यूज कर रहा हूँ रिफ्रेश करने के लिए। इस टाइप का कुछ हो गया, तीनों मेरा लिंक यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन लिंक जो शो कर रहा है लिंक अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो मैं ओपन करूंगा कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा भाई यार मेरा यूट्यूब ओपन होगा, लेकिन ये लिंक मेरा जो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो क्या करना इसके लिए यूज होता है बटन का टैग BUTTON, मतलब बटन भी मैंने बताया कि बटन के बारे में बताने वाला, सिंपल बटन का टैग के भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल नीचे जाता हूँ फॉन्ट वाले नीचे जाता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, आपको लगाना पड़ेगा बटन वाला टैग, सिंपल इसको देता हूँ यहाँ पर लाइन BUTTON बटन करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। यहाँ पर देखो दो बटन हो चुका है, इसका एंड वाला भी टैग होता है। अब बीच में जो भी आपको लिखना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर लिखना है इन्फोटेक आर्मी, चलो मैं इन्फोटेक आर्मी लिख देता हूँ, इसको भी मैं चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पर इन्फोटेक आर्मी लिख देता हूँ, ठीक है। आपको जो लिखना लिख सकते हो, तो मेरा बटन एक बन चुका है यार, मेरा बटन में देखो ये लास्ट यहाँ पर एन मैंने देना भूल गया, चलो मैं एन दे देता हूँ बटन, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ बटन करता हूँ, देखो बटन हो चुका है BUTTON बटन, ठीक है। अब मैं आता हूँ सिंपल केस पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो नीचे देखो मैं यहाँ पर बटन जो साइड में एड हो चुका है इन्फोटेक आर्मी, साइड में ऑटोमेटिक इसका जो कॉर्नर लगा हुआ है यही बटन का यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर ये साथ में दिख रहा है अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे देखने के लिए मैं पहले बता रहा है कि क्या वो करना है, BR का टैग लगाना है, बीच में जो मैं यहाँ पर BR का टैग लगाया था जिससे मेरा नीचे होने वाला है, एक और यहाँ पर BR का टैग लगाता हूँ थोड़ा सा स्पेस मेरा आ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इसको यार क्या क्या लिख दे रहा हूँ मैं पता नहीं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरा जो थोड़ा सा स्पेस आ जाने वाला है मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो नीचे जा चुका है थोड़ा सा, ये मेरा स्पेस आ चुका है, अब इसको बड़ा छोटा करना है, बटन वाला टैग पर भी सेम टू सेम काम करेगा, जिस तरह स्टाइल लगा हुआ रहेगा उस तरह से काम करेगा। मान लो यहाँ पर जो क्लास कुछ लगा दो, जैसे यहाँ पर जो है बटन वाला टैग है, यहाँ पर इसके आगे क्लास लिख के कुछ भी लगा दो, उसके बाद जो स्टाइल वाला टैग जो मैंने बताया था स्टाइल वाले में यहाँ पर कुछ सेट कर दो उससे सेट कर सकते हो, या तो सिंपल जिस तरह मैंने फॉन्ट वाइज सेट किया उस तरह भी कह सकते हो। चलो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, स्टाइल यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है स्टाइल को पूरा का पूरा जो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कहाँ तक, पूरा एंड तक जो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्टाइल वाला कहाँ गया यार, ये मेरा यहाँ तक खत्म हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यानी यहाँ पर जो मैं क्या करता हूँ जो मेरा बटन वाला टैग मैंने लगाया अभी बटन वाला देखो यहाँ पर लगाया, तो इसमें सिंपल जाता हूँ स्टाइल वाला जो मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद सिंपल जो भी स्टाइल मैंने लगा रखा है यहाँ पर फॉन्ट वाले में वो मेरा बटन वाले में मिले जाना, सिंपल देखो ओपन होता है। इस टाइप को कुछ यहाँ पर इन्फोटेक आर्मी में मेरा लग चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें लिंक एड करना, इसको मैं क्लिक करूँगा अभी कुछ भी ओपन नहीं होगा, इन्फोटेक आर्मी पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। अब इसमें ओपन करने के लिए क्या करना है, एच इसमें भी एक आपको ये जो लिंक वाला जो टैग मैंने लगा रखा ना ये वाला, इसको भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बटन के पहले जाता हूँ, बटन के पहले यहाँ पर लगाता हूँ ए, यहाँ पर ए लगाने के बाद यहाँ पर ए लगा दिया, अब यहाँ पर लिखता हूँ HREF लिखता हूँ, HREF लिखने के बाद जो भी आपको स्टाइल लगाना है स्टाइल ले देना, बराबर देना, डबल डॉट देना, ये सब दे देना, उसके बाद बीच में जो भी आपको लिंक रखना वो रख सकते हो। तब वो टेलीग्राम वाला मान लो रखना है तो टेलीग्राम वाला भी रख सकते हो, सिंपल है T.me वाला होता है कुछ उस तरह का रख सकते हो, HTTP यहाँ पर जो होता है T.me या तो जो भी होता है अपना जो टेलीग्राम का लिंक है वो अपना रख दो। रखने के बाद सिंपल जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर इन्फोटेक आर्मी जैसे मैं रख देता हूँ मेरा इन्फोटेक आर्मी ID, सिंपल इसको मैं रख देता हूँ, ये मेरा ओपन होने वाला है इन्फोटेक आर्मी, ठीक है। लेकिन आपको इसको बंद करना पड़ेगा, यहाँ पर ए आपने स्टार्ट किया सबसे पहले, चलिए मैं ए को यहाँ पर बंद करता हूँ, उसके बाद इनका इनटेक भी लगाना पड़ेगा, ये जो इनटेक यहाँ पर आ गया इसको लास्ट में लगाना पड़ेगा, बटन वाला कहाँ गया लास्ट देखिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको कट करके यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है, ए को यहाँ पर मैंने कट कर दिया, कट करने के बाद बटन वाला लास्ट है यहाँ पर जिसमें इसको लगा देता हूँ, लगाने के बाद अब मैं जब क्लिक करूँगा तो मेरा देखना क्या ओपन होने वाला है, मतलब बटन वाले में यही फायदा है कि लाइन नहीं आ गया। देखो यहाँ पर मैंने लिंक तो लगा दिया लेकिन यहाँ पर कोई लाइन वन नहीं आया जिससे मेरा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर ये क्या हो गया इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर डायरेक्ट में जो टेलीग्राम, देखो टेलीग्राम वाला ओपन हो रहा है, डायरेक्ट टेलीग्राम करता हूँ, मेरा जो चैनल का डाल रखा है मेरा चैनल वाला मेरा जो ओपन हो रहा है, इस टाइप को ओपन हो रहा है ना, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करता हूँ डायरेक्ट में देखो इन्फोटेक आर्मी पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करना डायरेक्ट में देखो मेरा टेलीग्राम ओपन हो रहा है, डायरेक्ट मेरा कुछ इस टाइप का ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस टाइप का मैंने कुछ लिंक सेट कर दिया, यहाँ पर आपको बता दिया कि बटन में लिंक कैसे करना है, यहाँ पर लाइन जो है लाइन वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। अब बात करते हैं फ्रेम के बारे में, फ्रेम FREM फ्रेम मतलब होता है किसी दूसरे वेबसाइट या कुछ दूसरे चीज को अपने वेबसाइट में दिखाना, मतलब बिना कुछ अपलोड अपलोड किए, ठीक है। चलो मैं इसके नीचे जाता हूँ, नीचे जाने के बाद यहाँ पर BR का टैग लगाता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देने के लिए BR लगा देता हूँ, फिर यहाँ पर इसके आगे जो कुछ BR लगा देता हूँ, और भी BR लगा देता हूँ जिससे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस हो जाए, और भी BR लगा देता हूँ, ठीक है। BR मैंने लगा दिया, अब सेव पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रेम के बारे में, सिंपल है नीचे आपको एक टैग देना है फ्रेम, पहले फ्रेम था, ठीक है, अब अपडेट हो चुका है आई फ्रेम, आई
FREME आई फ्रेम कर दिया। इसको हम बंद करते हैं, यहाँ पर देखो कुछ स्टेप का यहाँ पर टैग मेरा हो चुका है आई फ्रेम। ये आपको लगाना है किसी फ्रेम को लगाने के लिए, सिंपल इसको मैं सेव करता। अब बीच में जो भी आपको फ्रेम लगाना है ना वो यहाँ पर इस तरह नहीं लिखना, यहाँ पर आई फ्रेम जो यहाँ पर है इसके आगे आपको SRC वाला लगाना है, जिस तरह इमेज में आप लगा रहे थे SRC लगाना है, इक्वल देना है और यहाँ पर डबल डॉट वाला देखा। यहाँ पर जो भी लिंक आपको इसके बीच में दिखाना है वो लिंक अपने हिसाब से दिखा सकते हो। चलो कोई भी लिंक यहाँ पर मैं आपको ओपन यहाँ पर जो पेस्ट कर देता हूँ। तो चलो यहाँ पर मैं जो fiverr.com का ही टैग लगाया था यहाँ पर HTTPS आपको लिखना पड़े HTTPS जिसको आप लिंक लगाना है, जैसे YouTube वाला सब जो होता है ना वो सब का सेटिंग कर पाओगे, YouTube Google सब वाला है वो सब जो उसको आप यहाँ पर फ्रेम में नहीं ला सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसको सेट कर लेता हूँ HTTPS जो लिंक होता है उसको यहाँ पर fiverr.com वाला जो यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, आपको जिस भी स्क्रिप्ट को मान लो कॉपी करना, यही यहाँ पर होता है स्क्रिप्ट को कॉपी करने वाला रूल। आप मान लो किसी स्क्रिप्ट को कॉपी करना, कोई जो बनाता है उसको तो आप बना नहीं सकते, तो उसका कॉपी करें सिंपल उसका लिंक यहाँ पर iFrame SRC के बीच में पेस्ट कर देना है। मैंने इसको सेव कर दिया कि इस वेब में जाकर आपको दिखा रहा हूँ किस तरह मेरा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखो इस टाइप का यहाँ पर फ्रेम में मेरा आ चुका है, ये fiverr.com का वेबसाइट। इसमें मैं कुछ भी ओपन करूंगा एंटर उंटर तो ये मेरा वर्क भी करने वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा यहाँ पर फोटो सेट हो चुका है, इसमें मेरे पासवर्ड लॉगिन के लिए इसमें मेरा वर्क भी करेगा, मतलब जिस तरह का fiverr मैंने सेट कर रखा है। लेकिन ये देखो लंबा छोटा कुछ ज्यादा चौड़ा वाला दिख रहा है क्योंकि इसका जो मैंने यहाँ पर जो fiverr का वेबसाइट का साइज है यार इस टाइप का, और मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया इस टाइप का, इतना चौड़ा कर दिया, कहाँ से होगा इसका साइज वो बताओ। तो चलो इसका साइज भी मैं आपको सेट करना बताऊंगा, सिंपल जिस तरह मैंने बताया साइज सेट करना। यहाँ पर आपको जो क्लास वाला लगा देना टैग और ऊपर में स्टाइल में सेट, तो जिस तरह यार मैंने बता दिया कि स्टाइल वाले में भी लगाए तो डायड विथ भी आप लिख दो WITTH सब। तो चलो मैं स्टाइल लगाता हूँ, इसको डिजाइन करने वाला हूँ, तो स्टाइल लगाता हूँ, स्टाइल लगाने के बाद बराबर रहता हूँ इसको मैं डिजाइनिंग यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, उसको आपको लाइव दिखा दूंगा क्या क्या मैंने लिखा है। तो यहाँ पर देखो कोडिंग में मैंने कुछ स्टेप का चेंज किया, यहाँ पर इसको मैंने सेव कर लिया, मैं केस वेब पर जाता हूँ, इसको ओपन करके आपको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ स्टेप का मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर बॉर्डर मैंने रेड सेट कर रखा है, इसको रेडियो स्टूडियो मैंने कुछ सेट कर रखा है, आपको मैं पहले पार्ट में बता रहा है किस तरह क्या करना है। ठीक है, आप वैसे टेक देख कर आपको पता चल जाना क्या क्या मैंने यहाँ पर सेट किया, क्या क्या मैंने चेंज किया आप देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर और भी इसका एलिमेंट करना, चलिए सबसे पहले वेबसाइट यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, fiverr.com में मेरा इसको मान लो मैं कोई विकिपीडिया वेबसाइट दिखा दूँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ उसके लिए जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने चलो मैं इसको जो विकिपीडिया यहाँ पर इसको जो मैं क्या करता हूँ विकिपीडिया कोई वेबसाइट लिंक मैंने कॉपी कर रहा था उसको जो मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप का यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल मेरा हो रहा है, इसको जूम कर रहा हूँ, जूम मेरा नहीं हो रहा, जूमिंग इसमें ऑफ कर रखा है विकिपीडिया। ठीक है, इस टाइप कुछ मेरा ओपन हो रहा है, स्क्रॉल स्क्रॉल हो रहा है। अब मान लो यहाँ पर जो कोई वेबसाइट मान लो कोई लिंक आप पेस्ट कर रहे हो जिसको मान लो इधर आप जूम करो तो जूम हो रहा है, जूमिंग ऑफ करना है उसको, मान लो मतलब ये जूम हो रहा है कि नहीं, ये मेरा जूम हो रहा है, पूरा मेरा वेबसाइट जूम हो रहा है। ठीक है, ये मेरा जो वेबसाइट है मैंने जो टेक्स्ट सेट करके उसको मैं बताने वाला इसको कैसे जूमिंग ऑफ करना है अगले पार्ट में। प्लस मान लो ये अंदर वाला जूम हो जाएगा तो उसको ऑफ करने के लिए नो रिसाइज का टेक लगा देना है, वैसे जूम नहीं हो रहा इसलिए मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है नो रिसाइज का टेक लगा देना है, ये सर्च के बाद आपको यहाँ पर लिख देना NORESIZE नो रिसाइज आप रख सकते हो, उसके बाद जो भी आपको करना आगे आप रख सकते हो। ठीक है, मेरा तो कुछ अभी नहीं कर रहा है, इस तरह मैं चेक कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मान लो उसको स्क्रॉलिंग जिसको ऑफ करना है, इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये मेरा स्क्रॉल हो जा रहा है। ठीक है, इसको मान लो ऑफ करना है हमको तो ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ SCROLLING यहाँ पर जो स्क्रॉलिंग आपको लगाना है। ठीक है, स्क्रॉलिंग लगा दिया, उसके बाद मैं इक्वल का साइन देता हूँ, इक्वल का साइन देने में यहाँ पर डबल ये देता हूँ कॉमन कॉलन वाला जो भी होता है, उसके बाद यहाँ पर आपको येस नो या ऑटो होगा, यहाँ पर तीन ऑप्शन होता है येस नो या ऑटो। मान लो इसको मैं नो कर दूंगा तो यहाँ पर ये स्क्रॉलिंग मेरा जो ऑफ कर देगा, इसको मैं नो करके मैंने सेव किया। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं स्क्रॉल करना चाहूँगा तो ये मेरा स्क्रॉल नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, इसको मैं स्क्रॉल करना चाहूँ, देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ आपको पता नहीं चल रहा है, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल मेरा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मान लो मैं येस कर दूंगा ये मेरा स्क्रॉल हो जाएगा, और ऑटो कर दूंगा जिस तरह का वेबसाइट होगा वेबसाइट का जो रूल होगा वो आपका यहाँ पर अप्लाई होने वाला, ऑटो कर देता हूँ तो मेरा जो वेबसाइट का रूल है वो मेरा अप्लाई होने वाला, सिंपल ओपन करता हूँ या वेबसाइट का रूल यहाँ पर ऑटो मतलब कर दिया, यहाँ पर इसका वेबसाइट दे रहा है अलाउ करने ऑटो करने मतलब स्क्रॉल करने का अलाउ कर रहा है, मेरा यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया फ्रेम कैसे करना है, कोई दूसरा वेबसाइट जो है उसको अपने वेबसाइट में सेट कैसे करना है वो भी आपको बता दिया मैंने। अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में, फॉर्म कैसे, फॉर्म मतलब होता है क्या, फॉर्म मतलब किसी दूसरे के इन्फॉर्मेशन को किसी के सबमिट द्वारा सबमिट किए गए इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना अपने पास लाना है, तो उसके लिए भी बताने वाला आपको यहाँ पर मिल जाता है फॉर्म का टैग। चलिए फ्रेम के बाद यहाँ पर मैं स्पेस पे देता हूँ BR का टैग देता हूँ, फिर यहाँ पर जो BR का टैग लगाता हूँ थोड़ा ज्यादा स्पेस देता हूँ BR टैग लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में FOREM, तो इसके बारे में FOREM तो इसका टैग भी मैं स्टार्ट करता हूँ FOREM, इसको स्टार्ट कर दिया, इसको बंद कर दिया, इस टाइप कुछ मेरा फॉर्म का टैग हो गया। अब बीच में मुझे जो भी लगाना है वो मैं लगा सकता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर इसका मान लो कुछ इंटर करना है, मुझे अपना मान लो नेम इंटर करना है, तो नेम इंटर कर लीजिए, यहाँ पर आपको इनपुट का टैग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर देखो पहले मतलब साइड वाला करना, चलिए मैं इसको बीच में स्पेस देता हूँ। ठीक है, इस टाइप कुछ स्पेस हो गया फॉर्म के बीच में। अब मुझे मान लो इनपुट वाला टैग लगाना, यहाँ पर मैं इस तरह का ओपन वाला दूंगा, यहाँ पर लिख दूँगा INPUT इनपुट लिख दूंगा, उसके बाद टाइप लिखना है क्या आपको टेस्ट इंटर करना है, नंबर इंटर करना है, क्या इंटर करना है, यहाँ पर टाइप लिखता हूँ, टाइप लिखने के बाद इक्वल का साइन देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ इसको डबल डॉट करता हूँ, यहाँ पर टाइप में आपको क्या टेस्ट लिखवाना, मुझे मतलब नेम लिखवाना, तो नेम में टेक्स्ट लिखना होता है TEXT टेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको जो मैं बंद करता हूँ, बंद करने के बाद बस ये मेरा काम खत्म हो चुका है, इनपुट में मैं टाइप यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनपुट में मान लो मुझे और नंबर भी लेना है। ठीक है, तो नंबर लेने के लिए सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट टाइप नंबर, इनपुट
टैप नंबर, ठीक है, TYPE टैप, और यहाँ पर इक्वल करता हूँ। इक्वल करने के बाद यहाँ पर इसको करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर। नंबर यहाँ पर बहुत चीज़ का होता है, बहुत टाइप का सबमिट करने का, मतलब टिक लगाने वाला होता है उसका भी कर सकते हो। यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट टाइप रेशियो, यहाँ पर इनपुट, यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ, यहाँ पर टाइप लिख देता हूँ टाइप बराबर, यहाँ पर वो टाइप इक्वल टू करता हूँ। इक्वल टू करने के बाद इसको मैं लाइन देता हूँ, यहाँ पर जो भी वन सिंगल लाइन है डबल लाइन है, उसके बाद यहाँ पर मान लो मैं इसको चेकबॉक्स कर देता हूँ CHECKBOX, इसको मैं कर देता हूँ सेट। यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ तो देखो इस टाइप मेरा किस टाइप का बना, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं बंद करना तो भूल गया इनपुट वाला, इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है, हो गया मेरा बंद। अब मैं तो देखता हूँ इसका किस टाइप का बना, ठीक है। यहाँ पर मैं उसको ओपन करता हूँ तो मैं देखो फॉर्म में यहाँ पर मेरा इस टाइप का कुछ बन चुका है। ये मेरा यहाँ पर नेम वाला मैंने सेट किया था, यहाँ पर इसको मैंने सेट किया, ये मेरा चेक बॉक्स, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल रहा, देखो चेक बॉक्स पर क्लिक तो मेरा चेक लग जाता है। जिस तरह का मैंने सेट किया इस तरह का मेरा हो गया, लेकिन यहाँ पर तो मैंने कुछ सेट नहीं किया कि यहाँ पर नाम लिखना है या नंबर लिखना है। यहाँ पर देखो मैंने टेस्ट इसमें सेट किया था ना, तो जिसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर टेस्ट लिखने का ऑप्शन है, यहाँ पर देखो टेस्ट वाला ये कीबोर्ड मेरा जो ओपन हो जा रहा है, ठीक है। और इसको मान लो क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो सिर्फ नंबर वाला मेरा कीबोर्ड ओपन हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने नंबर सेट कर रखा है। अब यहाँ पर और भी आपको चेंजिंग करके दिखाता हूँ, सिंपल से यार। यहाँ पर सबसे पहले इसमें टेस्ट, यहाँ पर आपको क्या लिखना, नेम लिखना था, यहाँ पर सिंपल से टेस्ट के आगे जाता हूँ मैं, इसको आगे यहाँ पर लिखता प्लेस होल्डर PLACE होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर लिख दिया, इक्वल टू दे दिया। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पर डबल डॉट वाला देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखवाना आपको बीच में, इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर नेम, यहाँ पर देखो योर नेम लिख देता हूँ, ठीक है। इंटर योर नेम लिखने के बाद सेव पर क्लिक करता हूँ। अब देखो मेरा अपडेट होगा, यहाँ पर देखो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इंटर योर नेम लिखने का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है बीच में, ठीक है। मतलब आप इस पर क्लिक करूंगा, मतलब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर आप मुझे जो नेम लिखना है, नेम लिखने का ऑप्शन आ चुका है। इसी तरह मैं इस क्या करता हूँ, इसमें इंटर योर नंबर करता हूँ, यहाँ पर इंटर योर नंबर करता हूँ, यहाँ पर इसमें इंटर योर नंबर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो इसमें मैंने प्रोसेसर लो मैं नंबर कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। इसको ओपन करके आपको लाइव दिखाता है, पर मेरा नेम यहाँ पर नंबर में नंबर इंटरव्यू नंबर शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको जो थोड़ा सा लाइन देता हूँ, गेप उप देता हूँ, यहाँ पर BR लिख देता हूँ, यहाँ पर इंटरव्यू नेम है, इसके बाद यहाँ पर BR लगा देता हूँ। BR लगाने के बाद फिर यहाँ पर इसका जो है इसको बाद भी यहाँ पर BR लगा देता हूँ। BR लगाने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखो किस टाइप का ओपन हो रहा है दिखाता हूँ आपको लाइव, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेरा लाइन बन चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ऑप्शन देता हूँ, उसको सेंटर में तो ऑटोमेटिक है ही, सब चीज़ सेंटर मेरा आ चुका है। उसके तरह मैं कैसे, यहाँ पर यार देखो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। अगला पार्ट में बताऊंगा आपको नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर फिर फॉर्म में तो बहुत सारा चीज आता है, आपको सबमिट कैसे करवाना है, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करवाना है। जैसे इंटर तो यहाँ पर कर दोगे, सबमिट करोगे तो आपको फिर से कुछ ओपन नहीं होना। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी नेम में इंटर करता हूँ, यहाँ पर नेम में कुछ भी इंटर करता हूँ, नंबर में कुछ भी इंटर करता हूँ, इसको मैं चेकबॉक्स करता हूँ, यहाँ पर सबमिट करो बटन नहीं है। सबमिट कहाँ से करूँगा, ये कहाँ से करूँगा, सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। टेंशन लेने को बाद में वीडियो को मतलब यार इसको तो मैंने बता दिया, इसमें क्या बता दिया आपको, लिंक बता दिया, बटन बता दिया, फ्रेम बता दिया, सब चीज़ बता दिया, आपको समझ आ गया। देखो यहाँ पर मैंने किस तरह कर दिया, यहाँ पर देखो लिंक मैंने कर दिया, लिंक बता दिया, फ्रेम बता दिया, बटन भी आपको बता दिया। अब फॉर्म की बात है तो फॉर्म में यार वीडियो देखो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। फॉर्म आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, पार्ट 5 का एक्सप्लेन करो, मतलब वेट करो, और बाद धीरे धीरे आपको PHP मेकिंग भी बताने वाला। सो आराम से इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।